Hello everyone, welcome to my channel Learn Pharmacy with Faiza. Today we are going to learn endocrine system. आज के वीडियो लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सीखेंगे. सो वॉट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और वो कैसे वर्क करेगी. एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स, इट कॉल्ड ग्लैंड्स. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम किससे बनी हुई है? सिक्स टाइप ऑफ ऑर्गन से बनी हुई है, उसे हम कहते हैं ग्लैंड्स. दिस ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन अवर बॉडी, क्रिएट्स सीक्रेट्स एंड रिलीज द हॉर्मोन्स. ये जो ग्लैंड्स है वो कहाँ पे होगी? हमारी बॉडी में होगी. और वो पर्टिकुलर जो ग्लैंड है उसके हॉर्मोन्स को बनाएगी, रिलीज करेगी हमारी बॉडी में. लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, थायराइड ग्लैंड है तो वो T3 T4, वैसे ही पैराथॉर्मोन, पैंक्रियास, जो भी ग्लैंड्स है वो ग्लैंड उसके हॉर्मोन्स रिलीज करेगी. ओके, इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द अमाउंट ऑफ हॉर्मोन इन योर बॉडी. ओके, वो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का रेगुलेशन करेगी, मेंटेन करेगी हमारे बॉडी. जब भी नीड होगी हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स की, तब वो रिलीज करेगी. नाउ व्हाट इज ग्लैंड्स? ग्लैंड क्या है? अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन इन द बॉडी मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्रेटिंग सेल. ओके, ग्लैंड्स क्या है, वो किससे बनी हुई है? तो वो ग्रुप ऑफ सिक्रेटिंग सेल से बनी हुई है. जो भी सेल है वो हमारी बॉडी में सिक्रेट करेगा. देर आर सेवरल काइंड ऑफ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्लैंड लाइक सलाइवरी ग्लैंड है तो वो क्या सिक्रेट करेगी? सलाइवा. स्वेट ग्लैंड है तो वो स्वेट का सिक्रेशन करेगी. मेमरी ग्लैंड है तो मिल्क का सिक्रेशन होगा. एंडोक्राइन है ग्लैंड है तो वो क्या करेगा? हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करेगा. ओके, है ना. There are two types of gland in our body. First, endocrine gland and second, exocrine gland. Now, endocrine gland क्या है? Endocrine gland में inside the secretion, body के अंदर blood capillaries है, उसके अंदर directly secrete होगा, है ना. So, it is ductless gland which pour the secretion into the bloodstream. वो directly कहाँ पे secrete होगा? Blood capillaries में, है ना. यहाँ पे है ये ब्लड कैपेलारीज, तो डायरेक्टली उसका सिक्रेशन ब्लड कैपेलारीज में होगा. हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड. नाउ उसके बाद है एक्सोक्राइन ग्लैंड. व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? आउटसाइड द सिक्रेशन, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर सिक्रेशन करेगा. इट इज डक्ट ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रेशन इनटू एक्सटर्नल सरफेस वाया डक्ट. ओके, उसके पास क्या होगा? डक्ट होगा. डक्ट के थ्रू वो बॉडी के सरफेस पे सिक्रेशन कराएगा, लाइक केमिकल सिक्रेशन, है ना. प्रीवियस में हमने देखा स्वेट ग्लैंड है तो वो हमारी बॉडी के सरफेस स्किन पे रिलीज करेगा, तो वो हो गई हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड. यहाँ पे हम देखेंगे टू डायग्राम्स है एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे है? ये जो छोटे छोटे सेल है, ये सेल में से डायरेक्टली सिक्रेशन होगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में. और यहाँ पे है एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड में वाया डक्ट, डक्ट थ्रू हमारी बॉडी में सिक्रेशन होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? वो क्या करेगा ये जो हॉर्मोन्स है वो क्या करेंगे? मेजर कंट्रोल सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करेगा. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या आएगा? यानी कि कोई हार्मोन है वो कंप्लीटली सीक्रेट होगा, है ना, हमारी बॉडी में. जब 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 नीड होगी हॉर्मोन्स की, तब तब वो रिलीज करता रहेगा. डक्टलेस ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स डिफ्यूज इन टू द ब्लड, है ना. इट इज डायरेक्टली डिफ्यूज इन द ब्लड. स्लो इनिशियल इफेक्ट बट इफेक्ट परसिस्ट मच लॉन्गर. उसकी इफेक्ट कैसी होगी? स्लो होगी
बट लॉन्गर टाइम उसकी इफेक्ट रहेगी हमारी बॉडी में. हार्मोन एक्ट एज अ स्पेसिफिक टारगेट. वो कहाँ पे है? तो स्पेसिफिक टारगेट लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वो उसके जो हार्मोन है वो वहां पे टारगेट करेगी. थायराइड है ग्लैंड है, तो उसके हार्मोन का वो वहां पे टारगेट करेगा. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड के कौन कौन से पार्ट है? द सिस्टम इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रिपेयर करेगी, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, है ना. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस के दिस साइड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे है, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, है ना. पैंक्रियाज कहाँ पे है? यहाँ पे स्टमक के पीछे के साइड. फिर है ओवरीज, टेस्टिस. दिस आर द हॉर्मोन्स दैट रिलीज द एंडो विथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्री पोर्शन आएंगे, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर. दिज आर द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स दैट सीक्रेट्स इन अवर बॉडी. उसके बाद है थायरॉयड. थायरॉयड में यहाँ पे ये जो हॉर्मोन्स है T3, T4, कैल्सिटोनिन, ये हो गए थायरॉयड हॉर्मोन. फिर पैराथॉर्मोन. फिर है एड्रिनल ग्लैंड, उसके हॉर्मोन्स है ये वहां पे सीक्रेट होंगे. पेंक्रियास है तो ये पेंक्रियास के हो गए. टेस्टिस है तो टेस्टोस्टेरोन. ओवरीज है तो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. नाउ समटाइम्स ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच एंड नॉट इनफ ऑफ अ हॉर्मोन. ये जो ग्लैंड्स है समटाइम्स क्या करेंगे, या तो बहुत ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे या फिर नहीं करेंगे. तो उससे क्या होगा? तो ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी. उसकी मदद से हमारी बॉडी में जब जब नीड पड़ेगी तब तब हॉर्मोन्स रिलीज होंगे. दिस इम्बैलेंस कैन कोज हेल्थ प्रॉब्लम. अगर ये इम्बैलेंस हो रहा है तो हमारी बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम होगी, लाइक वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, चेंजेस इन स्लीप, मूड बिहेवियर, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी बॉडी में होती रहेगी. मैनी थिंग्स कैन अफेक्ट हाउ बॉडी क्रिएट एंड रिलीज हॉर्मोन्स, लाइक इलनेस, स्ट्रेस, सर्टेन मेडिकेशन कैन कोज अ हॉर्मोन्स इम्बेलेंस. ओके, इस सब की वजह से हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस होगा. आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना पढ़ेंगे. नाउ डिटेल स्टडी पर्टिकुलर ग्रैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे. ओके.